केजरीवाल की मांग, सभी डॉक्टर्स को मिले भारत रत्न, पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। साइना नेहवाल ने दी योगी को बधाई, ट्वीट कर जाहिर की खुशी, जयंत चौधरी ने कहा सरकारी शटलर। राफेल डील को लेकर सियासत हुई गर्म, शशि थरूर ने बोला बीजेपी पर हमला, कहा भारतीय बिचौलियों को दी गई मोटी रकम। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह की ताजपोशी पर बीजेपी में बवाल, सतपाल महाराज सहित बगावत के मूड में दिखे 35 विधायक, नेताओं को समझाने में जुटी बीजेपी। बिहार में बचा सियासी भूचाल, इस्तीफे की धमकी के बीच दिल्ली पहुंचे मंत्री मदन सैनी, लालू से कर सकते हैं मुलाकात। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का खास बुलेटिन। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए पुष्कर सिंह धामी से नाराज चल रहे सतपाल महाराज ने भी उनके आवास पर जाकर पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री चुने जाने से इस वक्त बीजेपी के खेमे में नाराजगी का दौर जारी है। पुष्कर सिंह धामी ने आज की सुबह पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से भागीरथपुरम में स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी उनके डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर मुलाकात की। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी के बसंत विहार स्थित आवास पर जाकर शिष्टाचार भेंट किया और उनका आशीर्वाद लिया। इसी कड़ी में पुष्कर सिंह धामी मंत्री बंशीधर भगत से भी मिले। हरिद्वार में कांग्रेस सेवा दल के प्रवक्ता विशाल राठौर को लगातार उनके मामा ज्वालापुर विधायक की खबरों के साथ टैग किया जा रहा था, जिसे लेकर कांग्रेस सेवा दल के प्रवक्ता विशाल राठौर ने फेसबुक पर अपना बयान डाला है, जिसमें विशाल राठौर अपने मामा पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच कर आरोप सिद्ध होने पर कार्रवाई की बात कही है। देखिए, मैं FB पर तो क्या, मुझे व्हाट्सएप पर भी अलग अलग मैसेज डाले जा रहे हैं और मुझे फ़ोन करके भी यह पूछा जा रहा है कि यह जो विधायक सुरेश राठौर का जो कृत्य हुआ है, इसमें आपकी क्या राय है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अपनी पार्टी कांग्रेस का सच्चे सिपाही हूँ। हाँ, मेरे मामा जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मैं ये भाजपा का पब्लिसिटी स्टंट समझता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि जो महिला नेत्री आरोप लगा रही है वो भी भाजपा की है और विधायक सुरेश राठौर भी भाजपा के हैं, कहीं ना कहीं ये पब्लिसिटी स्टंट के अलावा कुछ नहीं लगता मुझे। तपोवन के BDC सुलोचना कपरुवान लगातार कैंप लगाकर वैक्सीनेशन का काम कर रही है। चौथी बार कैंप लगाकर दूसरा टीका लगवाने पहुंचे लोगों को राहत मिली। वहीं वैक्सीनेशन के लिए दूर दराज से टीका लगवाने आए लोगों की संख्या ज्यादा थी। पुरुष और महिलाएं सभी टीकाकरण को लेकर जागरूक दिखे और सभी ने टीका लगवाया। मेरे ख्याल से 30-35 ही लगे होंगे, लेकिन अभी बहुत हैं क्योंकि हमने चार बार फर्स्ट उसके लगा दिए थे 45 साल से ऊपर के, और ये तपोवन बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत लोग हैं 45 से ऊपर के, और सबके ऑलमोस्ट लग ही गया है, लेकिन जिनकी फर्स्ट डोज रह गई है उनको भी हम यहाँ लगवा रहे हैं, और बेसिकली 84 डेज जिनके हो चुके हैं ये सेकेंड डोज के लिए यहाँ पे लगा हुआ। पहले सच्चा धाम में लगाया था, अब यहाँ पर आनंद धाम में लगाया। इन लोगों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आनंद धाम वालों का भी, और उसके साथ ही डॉक्टर जोशी और उनकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लोगों को यहाँ पे जो सेकंड डोज लगने, जो हमने पहला शिविर आयोजन किया था सच्चा धाम आश्रम में किया था, अब ये दूसरा शिविर जो सेकंड डोज का है, यहाँ के लोगों को जिनको पहली डोज लगी थी उनके लिए ये सेकंड डोज का शिविर आयोजन किया गया क्षेत्र पंचायत के द्वारा और आनंद धाम आश्रम के द्वारा। इस बार आनंद धाम आश्रम में रखा गया ये प्रोग्राम, और क्षेत्र पंचायत का ग्राम प्रधान का यहाँ पे बहुत अच्छा रोल है कि अपने ग्राम सभा के लिए ये आयोजन कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे और जगह वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तपोवन क्षेत्र के अंदर 3-4 कैंप लगा चुके हैं ये, कि सबको वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। खबर भेल सेक्टर 2 से है, जहां आज गुरु नानक एकेडमी में उत्तराखंड पंजाबी महासभा युवा वर्ग और गुरु नानक एजुकेशनल सोसाइटी के साथ ब्लड वॉलंटियर ग्रुप हरिद्वार की ओर से एक वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में उप प्रधानाचार्य प्रशासनिक DPS परविंदर सिंह ने बताया कि वैक्सीनेशन कैंप में निःशुल्क वैक्सीन लगाई जा रही है। गुरु नानक देव एजुकेशनल सोसाइटी और उत्तरांचल पंजाबी महासभा के जो युवा मोर्चा है और ब्लड वॉलंटियर्स, इनके सहायता से, इनके सौजन्य से गुरु नानक एकेडमी सेक्टर 2 BHL में कैंप लगाया गया है। इसमें 18 वर्ष से 45 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए
निःशुल्क कैंप है, जिसके लिए अभी हमें गवर्नमेंट से जो है 340 वैक्सीनेशन का आज का मिला है। अभी 110 और भेजने की उनकी बात चल रही है और 440 का हमारा लक्ष्य है। अभी तक 100 व्यक्तियों को वैक्सीनेशन हो चुका है। उपवा उत्तराखंड की अध्यक्ष श्रीमती अलकनंदा अशोक के दिशा निर्देश पर हरिद्वार की अध्यक्षता श्रीमती सुधा सेंथिल और नोडल अधिकारी डॉक्टर विशाखा अशोक टांडे ने पुलिस मॉडर्न स्कूल के बच्चों के लिए नशा विरोधी ऑनलाइन पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें पुलिस मॉडर्न स्कूल के कक्षा 7 से कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों सभी को छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर इस प्रतियोगिता में भाग लिया। उत्तराखंड पुलिस द्वारा नशे विरोधी एक अभियान चलाया जा रहा है, इसी के संबंध में हमारी पुलिस लाइन रोशनाबाद में पुलिस मॉडल स्कूल के जो बच्चे हैं उन्होंने नशा विरोधी अभियान में बढ़ चढ़ के भाग लिया। इस प्रतियोगिता में बच्चों ने नशा विरोधी पोस्टर्स और स्लोगन बनाए और जिसमें नशे से होने वाले दुष्परिणाम और उसकी जागरूकता के बारे में लोगों में संदेश पहुँचाया। बच्चों ने इसमें बहुत ही बढ़ चढ़ के प्रतिभाग किया है। इसकी प्रेरणा जो है हमें हमारी उपवा जनपद हरिद्वार की अध्यक्ष श्रीमती सुधा सेंथिल मैम इनके द्वारा मिली है। इन्होंने बच्चों की काफ़ी सराहना भी की। देहरादून से रुड़की पहुंची विजिलेंस की टीम ने आबकारी इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि आबकारी इंस्पेक्टर काम के सिलसिले में एक शराब के ठेकेदार से हजारों की रिश्वत ले रहे थे, जिसकी सूचना ठेकेदार ने देहरादून में विजिलेंस टीम को दी थी, जिसके बाद विजिलेंस की टीम रुड़की पहुंची और सिविल लाइन क्षेत्र के जादूगर रोड स्थित उनके फ्लैट पर पहुंचकर छापेमारी की। फिलहाल विजिलेंस की टीम आबकारी इंस्पेक्टर से लगातार पूछताछ कर रही है। शिकायतकर्ता है मोहन सिंह रावत, रावत एसोसिएट है। इनकी कोई शराब की दुकानें हैं रुड़की क्षेत्र में, तो इनसे ये जो आबकारी निरीक्षक हैं इन्होंने पैसों की डिमांड की थी, 50,000 रुपये की पहले डिमांड की थी। तो 30 तारीख को इन्होंने हमारे यहाँ शिकायत की थी मानवेंद्र, इसने मोहन सिंह रावत ने, तो उस पर फिर इंक्वायरी की हमने, तो ये प्रकरण सही पाया। फिर इसको 35,000 में इसका तय हुआ था और आज देने का वादा था, तो आज इन्होंने अपने घर पे उसको बुलाया और घर पे इनको 35,000 रुपये रिश्वत इन्होंने ली, तो इसको विजिलेंस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। ये मांग इसलिए की थी कि इन्होंने कहा कि मैं आपके दुकानों की चेकिंग करके, नहीं तो उसमें मतलब कमियां निकाल के मैं इन दुकानों को निरस्त कर दूंगा, इसलिए मुझे थोड़ा ये पैसे मुझे चाहिए। तभी से बांधा है इन्होंने मेरे ख्याल, तो ये इनसे डिमांड की थी इन्होंने कि तुमसे हम 50,000 रुपये चाहिए, मतलब लूंगा मैं रिश्वत के इसके। हरिद्वार में थोक केंद्रीय उपभोक्ता भंडार के सचिव के बिना अनुमति के ही भंडार का सहायक अंकित की ओर से फर्जी हस्ताक्षर करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मामला हरिद्वार के थोक केंद्रीय उपभोक्ता भंडार का है, जो आए दिन सुर्खियों में आता रहता है। इतने बड़े फर्जीवाड़े को फर्जी नियुक्ति वाला कर्मचारी अंजाम दे रहा था, लेकिन फिर भी विभाग आंखें बंद किए हुए था। काशीपुर में नशे के सौदागर बड़ी संख्या में फल फूल रहे हैं और युवाओं को लगातार नशे का आदि बना रहे हैं। वहीं 2018 सेलेक्ट हुए आईपीएस अधिकारी अक्षय प्रहलाद कोंडे ने सीओ सिटी का चार्ज संभालते ही नशे के विरुद्ध एक बड़ा अभियान चलाया, जिसमें स्थानीय लोगों की मदद से नशे के बड़े सौदागरों पर पुलिस ने कानूनी शिकंजा कसा और करोड़ों रुपए की कीमत के स्मैक पुलिस ने जब्त कर नशे के सौदागर जेल भेज दिए हैं। वहीं पुलिस की कार्रवाई से खुश स्थानीय लोगों ने पुलिस का फूलों से जमकर स्वागत किया। ये नशे के विरुद्ध हमारे डीजीपी सर ने एक उत्तराखंड पुलिस की एक प्रायोरिटी बताया हुआ है कि ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई हो, उसी में अधिक से अधिक कार्रवाई करते हुए हमने स्टेप बाय स्टेप शुरू किया। हमने कम्युनिटी मीटिंग ली अलीखा एरिया में, जहाँ ज़्यादा इम्पैक्टेड है, लोगों से भी ऐलान किया कि नशे वाले लोगों से सपोर्ट ना करें। धीरे धीरे हमने केसेस भी बढ़ा दिए, बरेली तक की लिंक खोल के कर दिया। हर बार जब भी कोई अभियुक्त या कोई भी क्रिमिनल पकड़ा जाता है, हम उसका इंट्रोगेशन अच्छे से करते हैं, उससे हमें नए केसेस की इनपुट्स मिल जाती है। फिर हमने नशे करने वाले, सेवन करने वाले लड़कों से भी बातचीत करके इन्फॉर्मेशन निकाली। अब अच्छा खासा नेटवर्क पुलिस का भी काशीपुर में बना है। कोई भी अगर ये बिजनेस कर रहा है तो उन सबके लिए मैं एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि ये चीज़ अब छुपती नहीं है पुलिस से, और आप करने के विद इन 1 वीक 1 हफ्ते में हम आपको पकड़ लेंगे। तो मैं आपको सबको ऐलान करूँगा कि आप ये सब बिजनेस छोड़ दें, आप ये कर दें। और एक अच्छी चीज़ भी है कि सोसाइटी भी बहुत सपोर्ट कर रही है।
हरिद्वार के खानपुर थाना क्षेत्र में आपसी झगड़े में एक महिला की मौत हो गई। घटना की सूचना खानपुर पुलिस को दी गई, जिसके बाद लक्सर पुलिस क्षेत्र अधिकारी विवेक कुमार और खानपुर थाना अध्यक्ष अभिनव शर्मा और लक्सर कोतवाल प्रदीप चौहान भारी पुलिस बल के साथ मौके पर घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं लक्सर पुलिस क्षेत्र अधिकारी विवेक कुमार ने कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ये अभी आज शाम को लगभग 7:30 के करीब सूचना मिली कि गांव दल्लावाला में एक महिला की जो आपसी एक झगड़े में मृत्यु हो गई है, और इस संबंध में जो अभी बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। आवश्यक अग्रिम कार्रवाई के लिए इन सबको निर्देशित कर दिया गया है। इसमें तहरीर इनके द्वारा दे दी गई है और जो उचित धाराएं हैं उनमें मुकदमा पंजीकृत करके जो दोषी हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र में जवाहर नगर निवासी युवक ने अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या कर ली। मृतक युवक की 3 बेटियां हैं। उसकी मौत से उसके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस आगे की छानबीन में जुट गई है। मानसून की दस्तक को देखते हुए जिला प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मुख्य रूप से पुलिस प्रशासन ने गोला बैराज और संवेदनशील जगहों पर साइन बोर्ड और जल पुलिस की तैनाती भी कर दी है। बावजूद इसके गर्मी के दिनों में अधिकतर बच्चे गोला बैराज और आसपास गहरे पानी में नहाने के लिए उतर रहे हैं, जिसको देखते हुए कभी भी कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। लिहाजा पुलिस प्रशासन को चाहिए कि वो ऐसी जगहों पर कड़ी नजर रखे। इस बात का संज्ञान पुलिस को है, काठगोदाम पुलिस को अवगत कराया गया है कि इस जगह पर लगातार वो अपनी पेट्रोलिंग करें। जो चीता मोबाइल्स हैं उनको निर्देशित किया गया है कि समय समय पर चेकिंग करेंगे और लोगों को हटाया जा रहा है। अब मानसून के कारण पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बह रहा है और इससे आने वाले समय में काफ़ी परेशानी हो सकती है। हम सिंचाई विभाग के अधिकारियों से भी वार्ता करेंगे कि और उनको कहेंगे कि उनका जो बैराज है वो पूरी तरह से घूमने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।